हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि LIC की तरफ से सीधी और बड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बम्पर भर्ती की, सीधी भर्ती की, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। भारत में किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स 100% अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, सारी इस भर्ती की जानकारी भी आपको मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार सरकारी नौकरी खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सरकारी नौकरी के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल सके। तो दोस्तों, आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर है, नई सरकारी भर्ती के साथ हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे LIC में आई नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, LIC में जो वैकेंसी निकाली जा रही है इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है तो 10वीं पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल रही है 20,000 रुपए पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपए महीना आपको काफी अच्छी सैलरी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, यानी कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के तहत आप सभी का सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली बार LIC में बिना परीक्षा के सीधी भर्ती हो रही है, वो भी 10वीं क्लास पास बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो। और सबसे अच्छी बात एक और ये है कि यहाँ पर आपसे फीस बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, चाहे वो जनरल का कैंडिडेट्स हो, OBC का हो या फिर SC ST का हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको बताएंगे ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो और हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा www.tipsworldbus.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आई वैकेंसी की। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम क्या है, इंश्योरेंस एडवाइजर की पोस्ट है। टोटल 100 वैकेंसी जारी की गई है और आवेदन केवल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, ये एज ए पार्ट टाइम जॉब भी है, अगर आप चाहें तो इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फीस जो है फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, केवल 10वीं पास है। और यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी जानकारी है, किस प्रकार आपको सैलरी मिलेगी, किस प्रकार आपका जॉब रहेगा और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। और इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दें, आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अगस्त 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आवेदन करने का लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ में। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस के ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा जारी कर दिया गया है और यहाँ पर अप्लाई का बटन भी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको इस फॉर्म को बड़े ही ध्यान से भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर रहे हैं। तो आप जॉब सीकर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यही रहने दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडल नेम, आपका लास्ट नेम, उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फिर फीमेल है। और यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी आपसे मांगा जा रही है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी उसके नंबर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको नंबर भी डालना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपके पिताजी का नाम और आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफी सारी लिस्ट है अपने राज्य की, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है, आपका मोबाइल नंबर भी डालना है, आपका पासवर्ड जो है आपको क्रिएट करना होगा, उसके बाद फिर से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद आपका यूजर नेम जो है आप इसे यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपका की स्किल अगर आपके पास है तो आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप इस वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर एक एक वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों नेशनल करियर सर्विस के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से वे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करके आईडी क्रिएट करके आप जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट की उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।